हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये होची टेरिडोफाइट्स लेक्चर पार्ट टू, जो थे कि आम आज गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करवा, सी हूँ स्टिलर इवोल्यूशन। सो पीजी एंट्रान्स सब पीजी एंट्रान्स स्टिलर इवोल्यूशन सब गोटे क्वेश्चन आसता है। पीजी एंट्रान्स एग्जामिनर मानकर ये गोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो आज वीडियो रे आम स्टिलर इवोल्यूशन को बहुत ही भल से बुझा, ठीक अच्छे। सो प्रथम जानतु स्टील कौन ना, गोटे प्लांट रो स्टेम रो जाइलम एवं फ्लोएम एवं पेरिसाइकल ये तीन टा जिनिस को आम कह स्टील, ठीक अच्छे। जेहेतु टेरिडोफाइट्स माने फास्ट इवॉल्वड योर वास्कुलर प्लांट, से मानकर स्टील रे किसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो स्टील देखा जाए एवं टेरिडोफाइट्स मानकर विशेषकर स्टील रे बहुत प्रकार इवोल्यूशन देखा जाए। तेणु स्टील पॉइंट ऑफ व्यू रे टेरिडोफाइट्स मानकर स्टील बहुत ही इंपोर्टेंट। सो आम देखा टाइप्स ऑफ स्टील, स्टील केते प्रकार। सो स्टील भितरे पीथ बा मेडुला अच्छी कि नहीं ताकू बेस करके आम स्टील मानू दुई बार व्यक्त करचु, गोटे हूँ नॉन मेडुलेटेड स्टील आ गोटे हूँ मेडुलेटेड स्टील। तो कौन कहली मु ना स्टील मानू पीथ रो प्रेजेंस अनुसार से स्टील रे पीथ अच्छी कि नहीं ताकू बेसिस करके आम पीथ स्टील गुड़ा को दुई बार व्यक्त कर, गोटे हूँ नॉन मेडुलेटेड स्टील विथाउट पीथ आ गोटे हूँ मेडुलेटेड स्टील विथ पीथ। सो मेडुल नॉन मेडुलेटेड स्टील मानू आम अदरवाइजली कहूँ प्रोटो स्टील। सो फास्ट देखा आम नॉन मेडुलेटेड स्टील और प्रोटो स्टील। सो प्रोटो स्टील और नॉन मेडुलेटेड स्टील इज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील एंड इट इज फाउंड इन सम लोअर टेरिडोफाइट्स। सो प्रोटो स्टील बा नॉन मेडुलेटेड स्टील मानू एगेन आम चार भाग व्यक्त करचु। सो फास्ट होची तुम मानकर हाप्लो स्टील। सो हाप्लो स्टील इज द मोस्ट सिंपल स्टील दैट प्रेजेंट इन योर टेरिडोफाइट्स। हाप्लो स्टील कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। सो हाप्लो स्टील तुम मानक रोचे बहुत ही सिंपल स्टील, जो थे कि कौन थाए ना सेंट्रल जाइलम थाए एवं ताकू सराउंड करके फ्लोएम रही थाए। सो हाप्लो स्टील तुम मानक सिला जेनेला रो स्टेम रे देखा जाए, ठीक अच्छे। सो प्रोटो स्टील रो नेक्स्ट टाइप होची एक्टिनो स्टील। सो एक्टिनो स्टील रो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कौन रोची, एथिरे भी सेंट्रल जाइलम थाए एवं ताकू सराउंड करके फ्लोएम रही थाए, किंतु जाइलम गुड़ा तुम मानकर स्टार शेप रे हिताए। सो एक्टिनो स्टील रो कैरेक्टरिस्टिक होची द जाइलम्स आर स्टार शेप्ड एंड दिस टाइप ऑफ योर प्रोटो स्टील इज फाउंड इन योर लाइकोपोडियम एंड साइलोटम। सो नेक्स्ट होची तुम मानकर प्लिक्टो स्टील। सो जो स्टील रे तुम मानकर जाइलम गुड़ा मोर और लेस पैरेलल पैचेस रे अरेंज हो रही थे ताको आम कहूँ प्लिक्टो स्टील, एवं ये प्लिक्टो स्टील तुम मानकर लाइकोपोडियम रो स्टेम रे देखा जाए, ठीक अच्छे। सो नेक्स्ट होची फोर्थ तुम मानकर प्रोटो स्टील रो फोर्थ होची मिक्सड प्रोटो स्टील। सो मिक्सड प्रोटो स्टील कौन ना, जो प्रोटो स्टील रे जाइलम गुड़ा बहुत स्मॉल स्मॉल पैचेस रे अरेंज होते एवं से माने फ्लोएम भितर एम्बेडेड होकर रहा भाई दिशुक आम कह मिक्सड प्रोटो स्टील, और मिक्सड प्रोटो स्टील लाइकोपोडियम रो किसी स्पेसीस देखा जाए। सो आम देखिले नॉन मेडुलेटेड स्टील बा प्रोटो स्टील को आम चार भाग व्यक्त कले, गोटे हूँ हाप्लो स्टील आ गोटे हूँ एक्टिनो स्टील आ गोटे हूँ प्लिक्टो स्टील एवं फोर्थ हूँ तुम मानकर मिक्सड प्रोटो स्टील। सो आम नेक्स्ट जा मेडुलेटेड स्टील, तो मैंने जो स्टील भितर पीथ रही। सो मेडुलेटेड पीथ मानू आम लिफ गैप रो प्रेजेंस अनुसार से भितर लिफ गैप प्रेजेन्स अच्छी कि ना ताको बेसिस करके आम एगेन मेडुलेटेड स्टील को दुई बार व्यक्त कर, गोटे हूँ स्टील विथाउट लिफ गैप जहाँ को आम कह साइफोनो स्टील एवं सेकेंड हूँ स्टील विथ लिफ गैप। सो मेडुलेटेड स्टील को आम एगेन दुई बार व्यक्त कले, गोटे हूँ स्टील विथाउट लिफ गैप आ गोटे हूँ स्टील विथ लिफ गैप। सो प्रथमे देखिबा आमे स्टील विथआउट लिफ गैप जहाँ आम अदरवाइजली कहूँ साइफोनो स्टील। सो साइफोनो स्टील को आम एगेन दुई बार व्यक्त करचु, तो जो साइफोनो स्टील रे सेंट्रल रे पीथ थिबो ताकु सराउंड करके जाइलम थिबो एवं जाइलम को सराउंड करके सिंगल लेयर रो तुम मानकर फ्लोएम थिबो ताकु आम कहिबा एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, एवं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील तुम मानकर इक्विजिटम रो राइजोम रे देखा जाए। सो एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील कौन
ना जो स्टील रे सेंट्रल पीस थिबो ताकू सराउंड करके जाइलेम थिबो एवं जाइलेम को सराउंड करके गोटे लेयर तुम मानकर फ्लोएम थिबो तक आम कह एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील एवं ये एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील तुम मानकर इकोजिटम राइजोम देखा जाए। सो नेक्स्ट तुम मान साइफोन स्टील होची एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील। तो जो साइफोन स्टील रे सेंट्रल जाइलेम सेंट्रल पीस थिबो एवं जाइलेम को सराउंड करके बोथ इनर एवं आउटर रे तमानकर फ्लोएम रही थिबो ताको आमे कहिबा एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील। तो देखो मु डायग्राम रे तमानकर देइछि एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील रे सेंट्रल लेवल रे कौन सी तमानकर पीथ अछि पीथ को सराउंड करके तमरो फ्लोएम रही फ्लोएम को सराउंड करके तुम जाइलेम रही जाइलेम को सराउंड करके एगेन तुम फ्लोएम रोचे। तो एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील रे कौन होची ना जाइलेम को बोथ साइड रे सराउंड करके तुम मानकर फ्लोएम रोचे एवं ए प्रकार तुमरो साइफोन स्टील तुम मानकर मार्सेलिया रो राइजोम रे देखा जाए। सो तुम मानकर मेनली एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील बहुत थर पीजी एंट्रांस रे क्वेश्चन आसे। तो जनरली क्वेश्चन आसे एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील कौ टेरिडोफाइट से देखा जाए। सो तुम मानकर एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील तुम मानकर मार्सेलिया रो राइजोम रे देखा जाए। ठीक अछि। सो आम नेक्स्ट जीवा स्टील विथ लिप गैप। तो जो मेडुलेटे स्टील रे लिप गैप रो प्रेजेंस अछि ताको आम कहिबा स्टील विथ लिप गैप। सो स्टील विथ लिप गैप गैप को आम एगेन डिवाइड करि परिबा। सो स्टील विथ सिंगल लिप गैप जगह आम कहिबा सोलेनो स्टील एवं स्टील विथ मेनी लिप गैप जगह आम कहिबा डिक्टियो स्टील। सो स्टील विथ लिप गैप को आम एगेन डिवाइड कले बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लिप गैप। तो जो स्टील रे केवल गोटे तुम मानकर लिप गैप अछि ताको आम कहिबा सोलेनो स्टील से भले गोटे रु अधिक मेनी लिप गैप जो थरे अछि ताको आम कहिबा डिक्टियो स्टील एवं डिक्टियो स्टील रे एग्जांपल होउछि टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। सो सबुट एडवांस्ड तुमर स्टील होउछि डिक्टियो स्टील एवं मोस्ट प्रिमिटिव होउछि तुम मानकर हाप्लो स्टील। ठीक अछि। सो मुझे तुम मानकर स्टिलर इवोल्यूशन रिलेटेड कनसेप्ट क्लीयर हो। सो ये तुम मानकर स्टिलर इवोल्यूशन रिलेटेड कनसेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो रे मुझे टेरिडोफाइट्स किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि तुम मानकर मेंबर्स मानक रिलेटेड अच्छी से क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करी। सो आज ये पुणी थे देखा हे आउ गोटे वीडियो रे रोची। नमस्कार।